नमस्कार, स्वागत है आप सबका बिंदास कुकिंग विद रितु में। गाजर का हलवा तो आपने कई बार बनाया होगा और सर्दी में गाजर बहुत अच्छी आती है, तो हम तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो आज चलिए बनाते हैं घर में ही मौजूद सामान से बहुत ही अच्छी गाजर की बर्फी। इसके लिए हमें कोई भी चीज़ बाजार से लानी भी नहीं पड़ेगी। इसमें हमने ना तो मावे का इस्तेमाल किया है और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो आराम से मिल ना पाए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए, देखने से ही पता लग रहा होगा कितनी सॉफ्ट बर्फी बनकर तैयार हुई है। ना ही इसमें हमने किसी कलर का इस्तेमाल किया है, गाजर का अपना ही कलर इतना अच्छा हो, इसलिए हमें किसी भी कलर को मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। और बहुत ही अच्छी और टेस्टी बर्फी हम घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। गाजर बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, सर्दियों में इस बर्फी को हम बनाकर रख सकते हैं और कई दिन तक कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो केवल गाजर और दूध और चीनी। तीन चीज़ों से हमने बहुत ही बढ़िया गाजर की बर्फी बनाकर तैयार की है। सबसे पहले मैंने 600 ग्राम के लगभग गाजर लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से छीलकर मैंने धो लिया है। अब हम इन्हें घिसेंगे भी नहीं, सीधा इसे मिक्सी के जार में छोटे छोटे टुकड़े काटकर हम डाल देंगे और इसको एक दरदरा सा हम पीस लेंगे। आमतौर पर गाजर की बर्फी गाजर घिसकर बनाई जाती है, लेकिन बाद में उसे हमें मैश करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसे पहले ही दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने गाजर को अच्छी तरह पीस लिया है। अब पहले हम थोड़ा सा मावा बनाएंगे। मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर केवल एक चम्मच देसी घी लिया है, उसमें हम एक कप दूध डाल देंगे। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब हल्का सा जब ये गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे हम इसके अंदर 3/4 कप के लगभग मिल्क पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप दूध जो है वो आधा लीटर के लगभग ले सकते हैं। मेरे पास घर में दूध की मलाई रखी थी 1 कप, वो मैंने इसमें फ्रेश मलाई ऐड कर दी। अब मलाई ऐड करने की वजह से हमें घी भी नहीं डालना पड़ेगा और मलाई तो सबके घर में हर समय मौजूद होती है। 3 से 4 मिनट के अंदर ये काफ़ी गाढ़ा होने लगेगा। हमें इसे बिल्कुल सुखाकर मावा नहीं बनाना, बस काफ़ी हमें गाढ़ा कर लेना है। ये देखिए, 3-4 मिनट हो चुके हैं और ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है और बिल्कुल मावे की शेप लेने लगा है। बस अब हम इस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम दूसरी गैस के ऊपर 5 मिनट के लिए गाजर को भूनेंगे। गाजर को भूनना ज़रूरी है, इसके लिए मैंने 1 चम्मच के लगभग देसी घी और डाला है। अब जो गाजर का हमने दरदरा बैटर बना के रखा था वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह चलाते हुए लगातार मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनेंगे। 5 से 6 मिनट के अंदर शुरू में इसमें काफ़ी पानी नज़र आ रहा है, क्योंकि गाजर में पानी होता है। और 5 मिनट के बाद ही ये देखिए, ये काफ़ी गाढ़ा होने लगेगा और इसका कलर चेंज होने लगेगा। बस इसी स्टेज के ऊपर जो हमने मावा बनाकर रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे लगातार चलाएंगे। इस बर्फी को बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, केवल लगातार चलाना है। मावा थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो तो सही है, वरना इसके अंदर से थोड़े शुरू में छींटे उठेंगे। 5 से 7 मिनट के अंदर ये देखिए, अब ये इतना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसके अंदर 3/4 कप के लगभग चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप थोड़ी सी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से अगर घर में रखे सामान से अगर हमें बर्फ़ी बनानी हो तो गाजर की बर्फी सबसे अच्छी बनती है और सबसे ज़्यादा टेस्टी भी होती है। आप मिल्क पाउडर की जगह मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, मलाई डालना भी ऑप्शनल है। इसे हमने बहुत कम घी में तैयार किया है। जब ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। इतनी देर ये हल्की गैस के ऊपर थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, इतनी देर मैंने एक कंटेनर के अंदर, ये केक बनाने का कंटेनर है, मैंने इसी के अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हैं वो चॉप करके वो डाल दिए हैं। नीचे हल्का सा एक कागज़ लगा दिया है ताकि हमें बर्फ़ी निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ये देखिए, अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इस समय हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। थोड़ा सा हम इसे किसी कटोरी में या प्लेट में निकाल कर देखेंगे और 2 मिनट तक ठंडा करने के बाद इसकी गोली सी बनाकर देखेंगे। अगर इसकी गोली सही तरह से बन रही है, इसका मतलब क्या है कि ये बर्फ़ी बनाने के लिए या सेट करने के लिए बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारी बर्फ़ी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक बनी है। अब जो हमने बनाकर रखा है इसको हम उस कंटेनर के अंदर पलट देंगे और 2 से 1 सार करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए आराम से सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, उससे भी ये फटाफट से सेट हो जाएगी। और आप चाहें तो इसे रात को बनाकर रख दीजिए और सवेरे आराम से इसे चेक कीजिए, ये आपको बिल्कुल किचन काउंटर के ऊपर तैयार मिलेगी। ये देखिए, अब हम इसको काटने की तैयारी स्टार्ट करेंगे। मैंने एक प्लेट के अंदर इसे इस तरह से पलट लिया है और हम बड़े आराम से बर्फ़ी निकल गई।
हम इस तरह से ये बटर पेपर हटा देंगे और अपनी मनपसंद की शेप या साइज़ के अंदर बर्फ़ी कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ रेसिपीज़। थैंक यू।